अब हम करने लगे हैं केस नंबर फोर, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फोर्थ ऑप्शन या केस फोर। अब इस केस में क्या होगा कि जो बिल का ड्रॉअर होगा वो अपना बिल बैंक को भेज देता है फॉर कलेक्शन पर्पसेस, बिल जो बैंक को सेल नहीं करेगा, ठीक है, अपना बिल बैंक को भेजता है कि आप मेरे बिहाफ पे बिल की अमाउंट रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब इसमें बैंक क्या करेगा, बैंक बिल ले लेगा ड्रॉअर से, वो ड्यू डेट जब होगी बिल की अमाउंट रिसीव करेगा तो पैसे लेके ड्रॉअर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और बैंक जो है अपनी सर्विसेज के चार्जेस जो है वो लेगा ड्रॉअर से। अब आप डिफरेंस समझ लीजिए, बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब ये था कि बिल बैंक को बेच देते हैं, बैंक से पैसे पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बिल जो है वो सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब ये है कि आप बिल बैंक को भेज रहे हैं सिर्फ कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस। आपके बैंक में आपका बैंक में अकाउंट है तो आप बिल बैंक को भेज देते हैं कि मेरे पे आप रिसीव कर लो और चार्जेस ले लेना, ठीक है। तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ बैंक को अलाउ कर रहे हो कि बिल की अमाउंट रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखिए आप, इलस्ट्रेशन फोर, इमरान सोल्व गुड्स टू इरफान। आपने पूरी रीड कर लेनी है, मैं रीड करके साथ साथ जो इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। पहली लाइन में रीड कर रहा हूँ, फिर मैं साथ साथ रीड करूंगा कंप्लीट। और पार्टीज आपने, मैं जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इलस्ट्रेशन में या प्रॉब्लम में, मैं सबकी बुक बना दूंगा, आप रिक्वायरमेंट में देख लेना कि किस किस की रिक्वायर है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपने सबकी ही बनानी है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपकी मर्जी, आप जिसकी सिर्फ जरूरी है उसी की बनाए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन फोर है जी, इमरान सोल्ड गुड्स टू इरफान फॉर पेज 3000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जुलाई 2015। इमरान ने गुड सेल किए हैं इरफान को 3000 की क्रेडिट बेसिस पे 1 जुलाई 2015 को। तो क्या एंट्री होगी, हम बनाते हैं जी अब इमरान की और इरफान की बुक। इमरान ड्रॉअर होगा और इरफान ड्रॉई होगा। इमरान बुक, ठीक है, और इरफान बुक। इमरान जब गुड सेल करेगा इरफान को, ठीक है, तो इरफान को क्या बना लेगा, अकाउंट रिसीवेबल 1 जुलाई 2015। डेट्स जो है ना वो बुक में चेंज भी हो सकती है, बुक की डेट चेंज हो, डाटा चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहेगा सॉल्व करने, ठीक है। अमाउंट भी चेंज हो, आपने इस चीज से परेशान नहीं होना, जो मेथड है कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। तो डेट्स जो है वो इग्नोर, अगर मैं नहीं भी सही लिखता तो आप लोगों ने ठीक कर लेंगे, ठीक है। जब इमरान को सेल करेगा इरफान को, तो अगेन वही कंसेप्ट है, क्या ट्रांजेक्शन होगी, क्या एंट्री होगी, इरफान को डेबिट करेगा अकाउंट सेल बना लेगा और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्या एंट्री होगी, पहले इरफान अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी, 3000 से, और इरफान पे करेगा अपनी बुक में एंट्री। बहुत आसान है ये, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करें। इरफान करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट और इमरान अकाउंट क्रेडिट। इमरान को क्या बना लेगा, अकाउंट पेबल, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट और इमरान अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 3000 से, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल। उसके बाद इमरान ड्रू अ बिल ऑन इरफान फॉर पेज 3000 एट 2 मंथ्स। इमरान ने बिल ड्रॉ कर दिया जी इरफान पे, ये तो पक्की बात है ना, ठीक है, कि सेल की ट्रांजेक्शन के बाद बिल ड्रॉ होगा। अब जब बिल ड्रॉ करेगा, अगेन वही कंसेप्ट, इमरान जो है बिल ड्रॉ कर दिया तो इमरान के लिए क्या एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट, इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और इमरान को, इरफान को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। सेम डेट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इरफान अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी, 3000। इरफान क्या करेगा अपनी बुक में, इमरान लायबिलिटी है, अकाउंट पेबल है,
जब बिल ड्रॉ हो गया तो क्या लायबिलिटी बन गई, बिल पेबल। लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, बिल पेबल क्रेडिट हो गया। और इमरान को खत्म करने के लिए क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिल पेबल के नाम से और एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है अकाउंट पेबल के नाम से। तो डिक्रीज डेबिट, इमरान अकाउंट को डेबिट कर देंगे आप खत्म करने के लिए, क्रेडिट में था, और क्या लायबिलिटी बना रही है बिल पेबल 3000। ये बस आप ये चार ट्रांजेक्शन समझ लें अच्छी तरह, कि अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल और बिल पेबल और बिल रिसीवेबल, फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये चार ट्रांजेक्शन फिर वही होगी से, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 4 जुलाई को द बिल वाज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल भेज दिया बैंक को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बिल किसने भेजा, ड्रॉअर ने, ठीक है। जब बिल बैंक को कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है तो ड्रॉअर जो होता है अपने अपनी बुक में एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करता है बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से, ठीक है। तो इमरान के लिए अब क्या एसेट है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। ये टेम्पररी अकाउंट है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा इमरान अपनी बुक में, और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा खत्म करने के लिए, क्योंकि बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए 4 जुलाई को। टेम्पररी अकाउंट कौन सा ओपन होगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेगा, बिल रिसीवर। कितनी अमाउंट से, 3000। बिल सेल नहीं किया, सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा, बैंक की बुक पर आते हैं, बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ने कैश नहीं रिसीव किया, बैंक ने अपने कस्टमर के बिहाफ पे उसकी अमाउंट रिसीव करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी जब बिल बैंक के पास सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड, बिल जो है वो पे हो गया, बिल पे कर दिया, ठीक है। एंड द बैंक डिडक्टेड ₹20 एज बैंक चार्जेस, और बैंक ने जो है ₹20 अपने चार्जेस डिडक्ट किए, ठीक है। बैंक जाहिर है ऑब्वियसली जब आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक अपनी सर्विसेज के कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है। अब बैंक ने सर्विस चार्जेस कितने लिए हैं, 20। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इमरान एंड द बैंक, आपने जनरल एंट्रीज बनानी थी इमरान और सिर्फ बैंक की बुक में, इरफान की बुक में नहीं थी करनी, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये आपने करना है, ठीक है। स्टार्ट में इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं थी, ठीक है। अब ड्यू डेट का भाई जी, कितनी देर का बिल था, ये 2 महीने का बिल था, जुलाई अगस्त और सितंबर, 4 सितंबर को, बिल की अमाउंट पे की किसने, इरफान ने, ठीक है। क्या एंट्री ट्रांजेक्शन करेगा इरफान, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, डेबिट और कैश पे कर दिया, इसलिए लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, बिल पेबल क्या हो गया, डेबिट हो गया। बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है, बैंक के लिए, ठीक है। बैंक क्या करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेगा, अपने कस्टमर के अकाउंट को जिसने बिल भेजा, इमरान को क्रेडिट कर देगा। इमरान को क्रेडिट करने का मतलब यह है कि बैंक ने इमरान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। जब आप बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाते हो तो आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट करते हो, बैंक अपनी बुक में आपको क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे देने, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, बैंक की लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक ने कैश रिसीव किया 2015 को, ठीक है, कैश डेबिट कर लिया बैंक ने, कितनी अमाउंट से, 3000 से, इस टाइम प्लीज डेबिट, पे किसको कर दिया, इमरान को, इमरान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कैश डेबिट और इमरान अकाउंट क्रेडिट, बैंक ने कैश रिसीव करके डेबिट कर लिया, इस के तौर पर इंक्रीज डेबिट, और क्रेडिट किसको कर लिया, इमरान को, क्योंकि इमरान ने क्रेडिट करने के लिए भेजा था। इमरान क्या करेगा, अपनी बुक में बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट खत्म करेगा, जब पैसे आ गए इमरान क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, एसेट की इंक्रीज डेबिट, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो अब एसेट नहीं रहा, खत्म हो गया, क्योंकि पैसे आ गए हैं, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन
अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से थी 3000। उसके बाद बैंक ने जो अपने चार्जेस लिए उसकी अब हमने एंट्री करनी है, ठीक है। बैंक ने चार्जेस कैश में रिसीव नहीं किए, बैंक ने चार्जेस रिसीव करने हैं। बैंक के लिए ये इनकम है और ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले हम ड्रॉअर की बुक में एंट्री करते हैं। इमरान के लिए बैंक चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, बैंक चार्जेस को डेबिट करेगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। आप पहले बैंक की बुक में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसकी बुक में करते हैं, इमरान की बुक में। सेम डेट को बैंक ने जो चार्जेस काटे हैं, ठीक है, वो क्या है? इमरान के लिए एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए बैंक ने, कितने 20। बैंक क्या करेगा? जब बैंक आपको चार्ज करता है तो फिर बैंक आपको डेबिट करता है अपने कस्टमर को, ठीक है, उतनी अमाउंट से। अब बैंक डेबिट करेगा इमरान को, क्योंकि बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए हैं। लायबिलिटी फिर डिक्रीज हो करेगा उतनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट से थी 20 से। और बैंक के लिए कलेक्शन चार्जेस क्या है? ये कलेक्शन चार्जेस है। बैंक चार्जेस क्या है? कलेक्शन चार्जेस। बैंक के कलेक्शन चार्जेस क्या है? इनकम। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, तो बैंक क्या करेगा? कलेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करेगा। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, कलेक्शन चार्जेस बैंक की बुक में क्या है? इनकम इंक्रीज क्रेडिट। इमरान अकाउंट डेबिट और कलेक्शन चार्जेस अकाउंट क्रेडिट, ये आप नोट कर लें, ठीक है। इमरान की बुक है ये, इरफान और बैंक।